सोचें, जरा खुद सोचें। अगर आपके करतूत मैंने अम्मा जी के सामने खोल कर रख दिए तो कितने जलील होकर निकाले जाएंगे इस घर से। और मैं यहीं पर बस नहीं करूंगी। वो सारे नुस्खे, वो सारी बदली हुई दवाइयां, वो सब लेकर मैं पुलिस के पास जाऊंगी और आपको जेल भी भिजवा सकती हूँ। क्या चाहते हो तुम? हाँ बोलो बोलो, क्या चाहते हो? एक और बात तो मैं आपको बताना ही भूल गई। आप अब जो इस घर को छोड़कर जा रहे हैं तो यकीनन खाली हाथ तो नहीं जा रहे होंगे, कुछ ना कुछ तो साथ लेकर ही जा रहे होंगे। और इतने अरसे तक आपने इस घर से जो कुछ भी बटोरा है ना चाचा जी, वो भी आपके हलक से निकलवा कर रहूंगी मैं। कुछ नहीं कर सकते तुम, मैं तुम्हारी धमकियों में नहीं आऊंगा। नहीं, धमकी में तो आप आ गए, हाथ देखें अपने कैसे कांप रहे हैं, शक्ल देखिए अपनी आईने में, रंग फाक हो गया आपका तो। और देखिए, करने को तो चाचा जी मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं ना करूं तो आप कोमल की शादी साहिर से ना करें। बस इतना आसान सा तो सौदा है। क्यों, क्या वजह है, क्यों तुम ऐसा चाहती हो? बोलो। मैं आपको बताना जरूरी नहीं समझती, जितना कहा है ना उतना कीजिए। और इस बात की क्या गारंटी है कि मेरा ये सब कुछ करने के बावजूद भी तुम अपने इरादों से बाज ना सको? अपनी जबान दे रही हूं आपको चाचा जी,